मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारती। भाजपा के 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी से 35 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया है। सिन्हा ने अब कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 35 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में भाजपा में शामिल हुआ था। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि सुमित्रा महाजन के साथ भाजपा ने जो किया है वो सभी को पता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुझे भाजपा में वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लेकर आए थे, लेकिन बड़े दुखी मन से पार्टी छोड़ रहा हूं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब वन मैन शो से टू मैन आर्मी बन गई है और लोकशाही से तानाशाही में तब्दील हो गई है। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकार के मंत्री डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब जमकर तानाशाही चल रही है क्योंकि मौजूदा नेतृत्व ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण शौरी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे दिग्गज को निपटा दिया है। ये नेता अब मीडिया में नजर ही नहीं आते। इतना ही नहीं, उम्र के हवाले देकर इस चुनाव में पुराने नेताओं के टिकट काट दिए गए। लोकसभा स्पीकर और इंदौर सांसद सुमित्रा महाजन के साथ पार्टी ने क्या किया सबको पता है। इतना ही नहीं, पार्टी में अनदेखी के कारण कई वरिष्ठ नेताओं ने खुद से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।